कृपा। Come on कृपा, come on girls. फिर वो ऐसी गिरी, बस मुझे लगा कि मैं भी शिव है ना कृपा। हाँ? कृपा कृपा, ओह गॉड, अब ये कहाँ गई? जाएगी कहाँ, अभी तो आई नहीं है। फिर वही अंगद के गानों में खोई हुई होगी। अरे वो देखो, देखा मैंने क्या कहा था? वेलकम बैक नारव, 7 बज रहे हैं। क्या हुआ? मैंने कहा 7 बज रहे हैं और हम हो गए लेट। घर भी लेट जाएंगे, तैयार भी लेट होंगे और प्रोफेसर शर्मा की क्लास में भी लेट पहुंचेंगे। ओह माय गॉड। और जब प्रोफेसर शर्मा डांटेंगे तो हम उन्हें अंगद का गाना सुना देंगे और प्रोफेसर शर्मा कहेंगे वाओ। अब लेट नहीं हो रहा, अब चलो जल्दी चलो। प्रोफेसर शर्मा सर, समय हो गया, हम प्रार्थना शुरू करते हैं। लेकिन कृपा और वो सब लोग, हमें किसी का इंतजार नहीं करना है। लेकिन सर, सुबह की प्रार्थना हमेशा वो ही शुरू करती है। जो समय की कदर नहीं जानते, हम उनके लिए वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। चलिए शुरू करें। आज आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप वहाँ पीछे जाकर खड़ी हो जाइए। लेकिन सर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? पर अगर सुबह की यह प्रार्थना आपके लिए सिर्फ एक मजाक का विषय है, जहाँ आप अपनी मर्जी से आए और जाए, तो बेहतरी सिर्फ इसी में है कि आप ना ही गाएं। लेकिन सर, आज I said leave the stage. मुझे कोने में खड़ा कर दिया और सबके सामने डांटा। अच्छा, माना कि गलती मेरी भी थी, लेकिन वो हर्षी, राशि, कोमल, वो लोग भी तो लेट आई थी, उन्हें नहीं डांटा, सिर्फ मुझे ही डांटा। और ये सब कहने की क्या जरूरत थी कि मैं संगीत की कदर नहीं करती, मैं सीरियस नहीं हूँ। नॉट फेयर ना। हाँ हाँ मम्मा, मैं यहाँ इतने परेशान हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। लेकिन तुम लेट आई क्यों? वही तो मैं बता रही थी कि हम लोग सब सनसेट पॉइंट चले गए थे और फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए, मेरी बेटी होते हुए तुमसे ये गलती हुई कैसे? चलो मान लो दूसरों की गलती को तो मैं माफ कर भी दूं, पर तुमसे मुझे ज्यादा उम्मीद है, तो तुम्हारी गलती कैसे नजरअंदाज कर दो? पर पापा सबके सामने। इसी से सबको सीख मिलेगी, सब समझ जाएंगे कि प्रोफेसर शर्मा अगर अपनी बेटी को डांट सकता है तो वो किसी को भी डांट सकता है। ठीक है या नहीं? बोलो। ठीक है, ओके ओके। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। पर पापा जब मैं चली जाऊंगी तो आप किसको डांटेंगे? अच्छा देखो तो ऐसे बड़ी जल्दी अपनी शादी की। ओ मम्मा, मैं शादी करके जाने के नहीं, मुंबई जाने की बात कर रही थी, म्यूजिक एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुंबई जाने वाली हो? पर मम्मा आप दोनों ने प्रॉमिस किया था, अगर मैंने टॉप किया तो। एक मिनट, पहली बात तो हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, और दूसरी बात तुमने सिर्फ संगीत पे टॉप किया है, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में ना ही बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। पर मम्मा। कृपा, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। तुम मुंबई नहीं जा रही हो एंड दैट्स फाइनल। मम्मा दिस इज नॉट फेयर। नैनीताल का जेम्स बॉन्ड, आई मीन बॉबी बॉन्ड। बॉबी बॉन्ड को खबर मिली है कि उसकी बहन अपसेट है। बॉबी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। उसी परेशानी की वजह जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? मामा नहीं चाहती कि तुम मुंबई जाओ। तुम्हें मालूम है बॉबी बॉन्ड को सब पता है, और हमारे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन भी है। क्या? अलमारी से कपड़े उतारो, बैग में डालो, बाहर जाओ, रिक्शा करो, स्टेशन पर जाओ, ट्रेन में बैठो, सॉरी टिकट लेना मत भूलना, और बस मुंबई भाग जाओ। क्या आइडिया है मिस्टर बॉन्ड। हाँ तुम्हें पता ना मैं मम्मी पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ओके इन दैट केस तुम सीधे वहीं चले जाओ, म्यूजिक एकेडमी ऑफ झुमरी तलैया। वैसे भी वो बहुत पास ही है, मम्मी भी तुम्हें जाने देगी। बॉबी के बच्चे। मैं मुंबई कोई पॉप सिंगर या स्टार बनने तो नहीं जाना चाहती। मुझे तो संगीत सीखना है, उसके हर पहलू को जानना है। कोई मुझे नहीं समझता। कृपा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, देखना है? रेड नेल पॉलिश। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी खत्म हो गई है, तुम्हें नई बोतल चाहिए। लाओ मैं तुम्हें लगा देती हूँ। लाओ ना, लाओ ना। ये तो तुम्हारे रेड सूट पे बहुत प्यारी लगेगी, और इस वक्त तो तुम्हारे चेहरे से परफेक्ट मैच हो रही है। लाल लाल नेल पॉलिश और गुस्से से लाल चेहरा। मान जाओ। अरे बाप रे, मेरा बच्चा तो बहुत नाराज है मुझसे। कैसे समझाऊं इसे? जिसको इतने प्यार से पाला, जिसकी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश, हर खुशी पूरी की, उसकी इस खुशी के बीच में क्यों आऊंगी मैं? कोई तो वजह होगी ना। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ ना बेटा कि वो इस प्यार की छोटी सी दुनिया को छोड़ के जाए और ऐसी जगह जाए जहाँ उसके लिए सब कुछ अनजान हो, सब कुछ। पर मम्मा। अरे बाप रे, आप तो बात कर रही हैं। प्लीज बेटा बात करो ना। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि हम किसी चीज पर बात ना कर सके हों? मम्मा मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं अनजान जगह कहाँ जा रही हूँ? और आप ही तो कहती थी ना कि मैं दिलीप अंकल की बेटी जैसी हूँ। अगर मैं उनकी एकेडमी ज्वाइन करूंगी तो मेरा पूरा ख्याल रखेंगे ना? मानती हूँ बेटा, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लेकिन माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकते। कौन चाहता है वहां पे कि तुम अपनी दाल में ज्यादा घी लेती हो? किसको पता है कि रात को सोने से पहले तुम्हारे सर में तेल लगाना है? किसको पता है कि तुम्हारी हर छोटी चीज जो मैं जानती हूँ ना, वहां कोई नहीं जानता। इतना आसान नहीं होता है बेटा अपने बच्चे को अपने से दूर भेजना। जब उसे कोई तकलीफ हो ना, जब वो रोए, तो आप उसकी आवाज भी ना सुन सके, आप उसे गले ना लगा सके, उसके आंसू ना पोंछ सके। ओ मम्मा, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Please आप मत रोइए, please. मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से तुमने इसे निभाया कभी मुश्किल लगा ही नहीं। तुमने हमेशा वही किया जो बच्चों के लिए सही है। उनकी खुशी किसमें है, हमेशा यह बात तुमने पहले सोची। कितनी सहजता से तुमने निभा लिया सब कुछ। हाँ, कभी कभी जीवन के इम्तिहान कठिन जरूर होते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस इम्तिहान में तुम खरी उतरोगी, वही चुनोगी जिसमें कृपा की भलाई है। मम्मा, मैं जा रहा हूँ। बॉबी, स्कूल से सीधा घर आना। लेकिन मम्मा, लाइब्रेरी की किताबें वापस करनी है। उसके बाद सीधा घर आ जाना। मम्मा, मैं भी जा रही हूँ। हाँ, तुम भी जल्दी आना। डोंट वरी मम्मा, आज दीदी जरूर टाइम पे घर पहुँचेगी। उसका प्रोग्राम भी आने वाला है। क्या? वो अंगद का क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मा, वो मेरी पेन ले रहा था। पिंचू, हाय दीदी। अरे ये क्या, मिस्टर हैप्पी से इतना सैड हाय? दीदी मेरी तबीयत खराब है। तो इसमें क्या है, दवाई खा लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। पर दीदी वो रो रहा हूँ, स्कूल भी नहीं जा पाया, मम्मी मुझे खेलने भी नहीं देती, क्या करूँ? एक काम करते हैं, तुम्हारी बोरियत मैं अभी दूर करती हूँ, मेरे साथ बोलो। पीठ ऊंची ऊंट की, ऊंची पीठ ऊंट की, पीठ ऊंची ऊंट की, ऊंची पीठ ऊंट की, ऊंची पीठ ऊंट की, अरे क्या गा रहे हो तुम लोग, देखो ना। अरे सारे का रे ऊपर जाता है। मेरी मर्जी, मैं नीचे ही गाऊंगी। अच्छा बाबा, सारे पल नीचे ही ले आना। पलिए सारे बस हो गया, अभी मैं तो वैसा ही गाऊंगी। लेकिन क्या गाना गाया ना अंगद ने। मैं तो कहती हूँ अंगद की ये सबसे बेस्ट एल्बम है। राइट, उसकी तो हर एल्बम बेस्ट ही होती है ना कृपा। आई नो, तुमने कहा था ना। अंगद पहला ऐसा सिंगर है जिसकी आवाज भी खूबसूरत है और चेहरा भी। हेलो मैडम, उसके सपने देखना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसपे किसी और का हक है। हाय, किसका? अरे मैंने क्या किया? अरे बस, अरे मैंने क्या किया? हर्षी की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे, कुछ नहीं पचता तेरे पेट में। अंगद के बारे में बोलेगी। रुक रुक, अरे कहाँ भाग रही? रुक। What is going on? अरे अरे क्या कर रही हूँ मैं? गिर जाऊंगी। गिर जाओ, यही चाहती हूँ मैं। देख कर नहीं भाग सकती थी, टकराने के लिए तुम्हें प्रिंसिपल ही मिले थे। मुझे क्या पता था कि वो सामने आ जाएंगे। वो पिंक वाला बलून भी जरा। बात टकराने की नहीं है, कम से कम किसी और से टकराती तो ये सजा तो नहीं मिलती ना। अरे ये क्या कर रही है? वो कितना गंदा लग रहा है। लगने दे गंदा, ये छोड़। मुझे ये बता, मेरा पीछा कौन कर रहा था? तुम ना? हाँ, मैं कर रही थी, क्योंकि तुम ये क्या सारे कॉलेज में मेरे और अंगद के बारे में कहानियां बनाती घूम रही थी। तुम क्या समझती हो कि मैं अंगद से प्यार करती हूँ? मैं तो सिर्फ क्या? तुम तो चुप ही रहो। दोस्त समझ कर तुम्हें सब कुछ बताया तो क्या सबको बताती फिरोगी? पागल, अगर मैं गिर जाती तो, टांग टूट जाती तो? अभी तक तो नहीं टूटी है, लेकिन अगर 7 बजे के पहले मैं घर नहीं पहुंची और अंगद का प्रोग्राम मिस हो गया तो तुम्हारी टांगे मैं जरूर तोड़ दूंगी। एक काम करो, लो तोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि 7 बजे में सिर्फ 5 मिनट बाकी। व्हाट? ओ माय गॉड, मैं जा रही हूँ। कृपा, मुझे निकलना। कृपा नहीं। प्रोफेसर अय्यर, इस बार आपने फेयरवेल की कैसी तैयारी की है? मैं चाहता हूँ इस इवेंट का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं, उन्हें ये इवेंट कुछ दिन याद रहे तो अच्छा है। देखा, मैंने क्या कहा था? प्रिंसिपल बाहर होंगे। अब भाग, कैसे भाग सकती है? ओके मिस्टर अय्यर। यस सर। मैंने कहा था ना प्रिंसिपल बाहर ही है। अंगद का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मैं जाऊँ कैसे? जा, कूचा किसी घड़की से। मेरी बात मान, भागने का ख्याल छोड़ और चल, डेकोरेट करते हैं। कृपा, 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 भाग गई। हाँ, ये रात रुक सी गई तेरी राहों में, तेरा ही एक नाम है सर्द आहों में। एहसास ये चल न जाए, आजा कि हम मर न जाए, आजा के हर लम्हा उम्मीद है तेरी, पल पल तेरी आस है। कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है। वाह, मजा आ गया। क्या आवाज है लड़के की। हाँ भाई, जब आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए गा रहे हो तो आवाज में खनक तो होगी। और वैसे भतीजा किसका है? अरे वाह, देखिए। अरे गायत्री जी, चाय का क्या हुआ? 2 मिनट में ला रही हूँ। पापा। हाँ। वो अरे कृपा, कहाँ रह गई थी तुम? पापा वो गाना, वो तो मिस हो गया। ओह नो। डोंट वरी बेटा, मैं पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओह पापा, थैंक यू पापा। कम सिट हियर। शर्मा जी, दिलीप की आवाज ने भी बहुत बड़ा काम किया है, वरना वो इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। आपको खुद भी निकल जाना चाहिए था। क्या रखा है यहाँ पर? क्या बात कर रही हैं आप? शर्मा जी अगर चले जाते तो हमारे बच्चों को संगीत कौन सिखाता? इस बात का एहसास था मुझे, इसलिए मैं खुद नहीं गया और उसे भेज दिया। अब उसका भी सपना पूरा हो गया और मेरा भी। क्या भरोसा अब तक आप उन्हें याद होंगे भी या नहीं। मुंबई जाकर इंसान वहीं का होकर रह जाता है। पर मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। तो चलिए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर दिलीप खन्ना से। Hello. Hello, sir. Shall we proceed? Now here's Mr. Dilip Khanna, जो न सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे बड़ी और मशहूर सोल म्यूजिक कंपनी के मालिक है, बल्कि सोल म्यूजिक एकेडमी के चीफ पेट्रन एंड फाउंडर भी है। हेलो एवरीबॉडी, इट्स अ रियल प्लेजर टू बी विद ऑल ऑफ यू। बाप रे, भाई साहब बिल्कुल भी नहीं बदले, है ना? एकदम वैसे लग रहे जैसे 20 साल पहले लगते थे। हेलो, हियर शी इज, द सोशलाइट, द एंटरप्रेन्योर, द वाइफ, the mother and the woman herself, नैना खन्ना। देखिए तो, नैना कैसे एकदम बदल गई है ना? इन्हें सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है, ये बाहर का खाना तो खाते ही नहीं है। लेकिन एक बात है, देखने में चाहे जितनी भी बदल गई हो, पर संस्कार जरा भी नहीं बदले भाभी के। थैंक यू। वाओ, इनका घर कितना बढ़िया है ना मम्मा। सर, ये बताइए, इस कामयाबी का श्रेय किसे जाता है? Of course to my wife Naina. She's always been with me through thick and thin. जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर साथ दिया है इन्होंने मेरा। और इससे भी ज्यादा श्रेय जाता है मेरे अजीज दोस्त पंडित सूर्यबान शर्मा जी को, जिनके प्रेम, जिनके प्रोत्साहन, जिनकी सपोर्ट के बगैर शायद मैं इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। मैं जानती थी पापा, वो आपका नाम जरूर लेंगे। आज तक मैंने जब भी आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया है, तुम्हारे लिए कुछ न कुछ मांगती आई हूँ। पर आज तुम्हारे परिवार के लिए कुछ मांग रही हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर मैंने आज ये जाना कि तुम जो कुछ भी हो, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा नाम, तुम्हारी शोहरत, सब कुछ उन्हीं की वजह से है। बड़ी खुशी की बात है मैम, आप लोगों के इंटरव्यू को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि पूछिए ही मत। अच्छा है, इतना ड्रामा करने का कुछ तो फायदा होगा। कुछ नहीं मैम, बहुत फायदा होगा। अंगद की एल्बम को प्रमोट करने में बहुत फायदा होगा। इट बेटर, इसीलिए तो कर रहे हैं ये सब। वरना नैना खन्ना और एक भारतीय पतिव्रता नारी, बड़ा जोक। तुम्हारे बारे में मैं मुंह ना ही खोलूं तो बेहतर रहेगा। बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे। अंगद के इस म्यूजिक एल्बम के साथ साथ हमारे बिजनेस को भी काफी फायदा पहुंचेगा। Of course, after all, image is everything, ma'am. Image is everything. अब सब लोगों को यकीन हो गया है कि आप लोगों की जैसी फैमिली तो कोई है ही नहीं, जहां कामयाबी के साथ साथ संस्कारों और आपस के प्यार को बरकरार रखा गया है। और आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना अच्छा परिवार बनाया, जहाँ प्यार है, आदर्श है, और जहां तुम हो। काश मैं एक बार तुम्हें मिल पाती। वेरी गुड, दुनिया के नजरों के सामने हम हैं एक परफेक्ट फैमिली, जिसका हिस्सा हर कोई बनना चाहता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.